नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिर से हमारे YouTube चैनल में। हम लोगों ने लास्ट वीडियो में जो देखा था योजनाओं को लेकर के जितने भी क्वेश्चंस मॉडल सेट हमारे पास थे, तो उसमें से हम लोगों ने 51 क्वेश्चंस तक हम लोगों ने सॉल्व किया था। 51 क्वेश्चंस तक हम लोगों ने डिस्कशन के साथ सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया था। आज हम बात करेंगे इस वीडियो में 52 क्वेश्चन से लेकर के जितने भी मैक्सिमम क्वेश्चन आज हो सकेंगे, हम सारे क्वेश्चन का डिस्कशन के साथ हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो को आप एंड तक देखिए, बहुत सारी चीज़ें जो है हम इसमें अपडेट करके आपको बताएंगे। सारी योजनाओं के बारे में कुछ भी चीज़ें विस्तार होगी तो हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन सेट में। और अगर हमारे चैनल में आप फर्स्ट टाइम हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए। जब कभी भी हम नए वीडियो को अपलोड करते हैं सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले। चलिए हम स्टार्ट करते हैं 51 क्वेश्चन से। 51 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत सरकार द्वारा डिजिटल भारत योजना कब शुरुआत की गई। तो यह देखिए यहाँ पे 2015 सारे चारों ऑप्शन में है, लेकिन इसमें थोड़ा सा हमें ट्रिकी और सिली मिस्टेक लोगों से ये होता है कि उसे डेट याद नहीं होता है। तो मैं बताना चाहूँगा इसका जो आंसर है वो बी नंबर है, 1 जुलाई को किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला, डिजिटल इंडिया योजना के तहत यानी डिजिटल इंडिया योजना के तहत कितने ग्राम पंचायतों को ब्रॉडबैंड पहुँचाने का लक्ष्य रखा गया है। तो ये 2.5 लाख तक, इसका आंसर होगा 2.5 लाख तक। इनमें से कौन सा डिजिटल इंडिया कार्यक्रम का हिस्सा नहीं है, तो ई शासन तो होगा यानी ई गवर्नेंस, ब्रॉडबैंड हाईवेज भी है, पब्लिक इंटरनेट भी है, इसमें से ये नहीं है, फ्री मोबाइल वितरण। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि दीनदयाल अंत्योदय योजना का प्रारंभ किया गया, इसमें भी वही पेज है, क्या है 2014 है सारे ऑप्शन में, लेकिन यहाँ पे डेट आपको याद रखना है। डेट एग्जैक्ट आपको जब तक याद नहीं रहेगा तो ये है 25 सितंबर, 25 सितंबर को ये योजना लागू किया गया था। नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि दीनदयाल अंत्योदय योजना के लिए किसके लिए आरंभ किया गया, तो ये मुख्य रूप से जो है ग्रामीण या गरीब लोगों के लिए है, जो ग्रामीण परिवेश में रह रहे हैं गरीब हैं उनके लिए है, अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जनजाति के लिए, यानी दोनों सही, यानी ए और बी, यानी इसका आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि दीनदयाल अंत्योदय योजना का उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य जो है कि गाँव के जितने भी गरीब लोग हैं और अनुसूचित जनजाति के लोग हैं, इन लोगों को इनेबल करना, इन लोगों के अंदर एक ऐसा स्किल्स डेवलप करना ताकि वो अपने आप को कुछ रोजगार के लिए डेवलप कर सकें, तो इसका फर्स्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, केंद्र सरकार द्वारा प्रतिवर्ष कब अंत्योदय दिवस मनाया जाता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से ध्यान दीजिएगा। तो प्रत्येक वर्ष जिस दिन लागू हुआ है उसी दिन बनाया जाएगा, तो ये 25 सितंबर है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि स्मार्ट सिटी योजना का कब आरंभ किया गया, तो स्मार्ट सिटी आप योजना का काफ़ी चर्चा में नाम सुने भी होंगे, तो इसका जो स्टार्ट किया गया है वो जून का महीना था 2015 जून में किया गया है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूरे देश में कितने शहरों को स्मार्ट सिटी योजना के तहत विकसित करना है, कितने टोटल नंबर ऑफ जो सिटीज़ हैं वो कितने हैं, तो इसमें आंसर है हमारा 100, जो शुरू में जो सेलेक्ट किया गया है वो टोटल 100 सिटी हैं। नेक्स्ट क्या पूरा है कि झारखंड के किन शहरों का चयन स्मार्ट सिटी योजना के तहत किया गया है, किन शहरों को, इसमें से ध्यान दीजिएगा कौन कौन से शहर इसमें हम लोग इम्पोर्टेंट है। झारखंड जी इसको पढ़ रहे हैं तो झारखंड के योजनाएं के बारे में, तो इसमें हमारा जो है झारखंड राज्य का किन शहरों का चयन स्मार्ट सिटी के लिए किया गया है, तो ये है रांची के लिए, ये नंबर आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें 62 क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, देखते हैं कि स्मार्ट सिटी योजना में वित्त पोषण में केंद्र एवं राज्यों का अनुपात क्या है। देखिए स्मार्ट सिटी को डेवलप करने के लिए इसमें दोनों का रेशियो क्या है, स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट का इसमें जो रेशियो है डेवलप करने का वो यहाँ पे 50-50 का है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि 63 में निम्न में से कौन स्मार्ट सिटी योजना का बुनियादी तत्व तो नहीं है, इसमें पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा फंडामेंटल चीज़ है, फंडामेंटल एलिमेंट्स नहीं है किसके लिए, तो स्मार्ट सिटी योजना के लिए, तो इसका आंसर है हमारा, देखिए पर्याप्त पानी तो होनी चाहिए सिटी डेवलप करेंगे तो, मुफ्त शिक्षा एवं शिक्षा सुविधाएं, निश्चित विद्युत उपलब्ध ये तो होना ही चाहिए, टिकाऊ पर्यावरण भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, इसमें से इसका आंसर जो होगा बी होगा, इसका आंसर ये मुफ्त शिक्षा नहीं है इसमें। नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं कि अटल नवीनीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन अमृत का प्रारंभ किया गया। देखिए बहुत सारे चीज़ें हैं जो पुराने पड़ गए हैं धरोहर वगैरह, उसको नवीनीकरण करने के लिए एक प्रोग्राम चलाया गया जिसका नाम है अमृत, जिसे हिंदी में बोलते हैं अटल नवीनीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन। ये कब स्टार्ट किया गया है, तो यह स्टार्ट किया गया है 25 जून 2015 को। नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि अमृत योजना के तहत, यानी जो हमने बताया अमृत योजना के तहत निम्न में से कौन सी सुविधाएँ दी जाएगी, तो इसमें देने की जो सुविधाएं हैं आप यहाँ पे देखिए, जल आपूर्ति, सीवरेज, शहरी परिवहन, तो इसमें से सारे होंगे, ये ए बी सी सारे हैं इसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्या कह रहा है क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, निम्न में से
किस शहर का चयन अमृत योजना के तहत नहीं हुआ है? यहाँ पे पूछ रहा है कि किस शहर का सिलेक्शन जो है अमृत योजना के तहत नहीं किया गया, तो इसमें से चार हैं गिरिडीह, रामगढ़, हजारीबाग, देवघर। तो रामगढ़ को नहीं किया गया है, याद रखिएगा रामगढ़ को नहीं किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अमृत योजना के तहत केंद्र और राज्य का व्यय करना यानी उसमें इन्वेस्ट करने का जो रेशियो है वो कितना है किस किस के बीच में, तो इसमें जो है वो 60-40 का रेशियो है। याद रखिए अमृत में ये है लेकिन स्मार्ट सिटी डेवलप करने में कितना था, 50-50 का रेशियो था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अन्नपूर्णा योजना कब प्रारंभ किया गया, तो अन्नपूर्णा योजना प्रारंभ कब किया गया है, तो इसको याद रखिएगा अन्नपूर्णा योजना लागू किया गया है 2 अक्टूबर को, 2 अक्टूबर 2000 को लागू किया गया है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि अन्नपूर्णा योजना के तहत लाभार्थी कौन होगा, अन्नपूर्णा योजना के तहत इसमें लाभार्थी कौन होगा यानी इसमें कौन लोग इसका बेनिफिट ले सकते हैं, तो इसमें बेनिफिट ले सकते हैं जो 60 वर्ष से अधिक आयु वाले हैं, इन लोगों को चावल वगैरह या फिर राशन वगैरह भी मुफ्त में दिया जाता है। तो नेक्स्ट क्या है, अन्नपूर्णा योजना के तहत प्रत्येक माह कितने किलो ग्राम निःशुल्क चावल उपलब्ध कराया जाएगा, तो अन्नपूर्णा के तहत जो 60 ईयर से ओल्ड पर्सन है उन लोगों को कितना, तो 10 किलो प्रत्येक माह। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब आरंभ हुआ, तो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब स्टार्ट हुआ है, तो इसके बारे में हम लोग ऑप्शन पहले देखते हैं कि ऑप्शन क्या है। इसमें ऑप्शन दिया हुआ है अप्रैल, सारे हैं अप्रैल के मंथ में, लेकिन इस भी अलग है, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे इसमें जो है वो 2005 में किया गया है ये चीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन मिशन के तहत किस बीमारी का उपचार की सुविधा प्रदान की जाती है, तो इसमें से देखिएगा यहाँ मलेरिया दिया हुआ है, कुष्ठ दिया हुआ है, तपेदिक दिया हुआ है, ABC ये तीनों दिया हुआ है, तो इसमें जो इस वाले के अंदर यानी राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत ये तीनों चीज़ों को कवर किया जाता है, इसमें से कुष्ठ रोग हो, मलेरिया हो, तपेदिक हो, ये सारी चीज़ों को कवर किया जाता है। नेक्स्ट है, भारत सरकार ने कब कौशल विकास मिशन आरंभ किया, आपने अभी स्किल इंडिया प्रोग्राम का नाम सुना होगा, तो उसमें से ये कब लॉन्च किया, तो हाल फिलहाल मोदी जी के शासन में हुआ है ये, तो इसका जो आंसर है आप देखिए यहाँ पे 2015, तो इसमें ध्यान रखिएगा कि जब कौशल विकास योजना की बात हो तो ये जुलाई का मंथ था, 2015 की बात है। मिशन इंद्रधनुष कब आरंभ किया गया, मिशन इंद्रधनुष जो है वो लागू किया गया, इसमें भी डेट आप देखिए 2014 लेकिन इसमें मंथ और डेट में याद रखना है, तो यहाँ पे बोल रहा है मिशन इंद्रधनुष जो लागू किया गया है वो 25 दिसंबर को लागू किया गया। मिशन इंद्रधनुष के तहत निम्न में से क्या होता है, इसके तहत में क्या किया जाता है, इसमें जो है मुख्य रूप से इसमें टीकाकरण का है, जो आप देख रहे होंगे बच्चों को है ना, इसे जो टीका वगैरह होता है उसके लिए। गुड, नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि ये क्वेश्चन आया हुआ है झारखंड के कोई किसी एग्जाम में, मैंने देखा था आया हुआ है क्वेश्चन से, इंद्रधनुष के तहत किस बीमारी का टीकाकरण होता है, तो यहाँ पे पूछ रहा है कि किस बीमारी का टीकाकरण होता है, तो यहाँ पे मैंने टिटनस, खासरा, काली खांसी ये सारे का है, ठीक है, ABC तीनों। मिशन इंद्रधनुष का उद्देश्य कब तक उन सभी बच्चों को सुरक्षा प्रदान करने हेतु टीका लगाने हैं जिन्हें टीका नहीं लगा है, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कब तक इसका लक्ष्य जो निर्धारित किया गया 2020 तक, ये 20 तक इसका निर्धारित किया हुआ है। नेक्स्ट बोल रहा है कि 78 में क्वेश्चंस क्या बोल रहा है कि झारखंड द्वारा JP आंदोलन यानी जो JP आंदोलन है, जयप्रकाश नारायण, JP आंदोलन को प्रति माह कितने रुपये के सम्मान पेंशन दी जाती है, यानी JP आंदोलन में जो लोग भी भाग लिए थे उन लोगों के लिए पेंशन की व्यवस्था है, तो उसमें से कितने हज़ार तक का या कितने रुपये तक का उन लोगों को प्रतिमाह पेंशन के रूप में दिया जा रहा है, तो इसमें से हमारा आंसर होगा ये 5000 तक का है, इसका 5000 तक का है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, नेक्स्ट में है क्वेश्चन कि JP आंदोलन कब से कब तक चला, JP बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ध्यान दीजिएगा JP आंदोलन को पढ़ना ही पढ़ना है आपको हर हाल में, तो ये कब से कब चला, तो 74 में स्टार्ट हुआ था और 77 तक चला था, ये बी आंसर इसका होगा। नेक्स्ट है 80 नंबर, मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी उपचार योजना कब हुआ, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट ऐसी योजना है, तो झारखंड सरकार को दुआ है कि सहायता राशि कितने तक निर्धारित किया कि मालिक को भी बहुत आपका जो गंभीर बीमारी हो गया, तो उसमें मुख्यमंत्री के द्वारा स्पेशल कोटा में उन लोगों को पैसे दिए जाते हैं जो पर्सन बीमार है, ग्रसित है ज़्यादा, तो उन लोगों को तो कितना रुपया तक दिया जा सकता है, तो वो 2.5 लाख रुपया तक है, वो याद रखिएगा इस चीज़ का। नेक्स्ट है 81 क्वेश्चन में, मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी उपचार योजना लाभार्थी कौन होगा, तो भाई इसमें देखा जाता है कि कौन होगा, तो जो बिलो पॉवर्टी लाइन से नीचे होगा यानी BPL परिवार जो होगा वही होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम लोग देखें 82 क्वेश्चन को, तो 82 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि राष्ट्रीय नदी संरक्षण कार्यक्रम योजना के तहत राज्य
के किस जिले के नगर निकाय का चयन हुआ है? झारखंड में जो राष्ट्रीय नदी संरक्षण कार्यक्रम जो है उसके तहत में कौन सा जिला को यहाँ पे सेलेक्ट किया गया है? तो आप देख सकते हैं यहाँ पे गोड्डा दिया हुआ है, साहिबगंज दिया हुआ है, रांची दिया हुआ है। ये है हमारा, देखिए गंगा नदी जो साहिबगंज से जो टच कर दी, तो याद रखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, साहिबगंज होगा इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है 83 क्वेश्चन, क्या बोल रहा है? 83 क्वेश्चन बोल रहा है राष्ट्रीय नदी संरक्षण कार्यक्रम के तहत निम्न में से कौन परियोजना शामिल है? इसमें से कौन से परियोजना शामिल है? इस परियोजना का नाम है सीवरेज, ड्रेनेज, रिवर फ्रंट डेवलपमेंट, ABC, तीनों। यहाँ पे ध्यान देने की बात है, क्या कह रहा है कि यहाँ पे सीवेज, ड्रेनेज है ना, रिवर फ्रंट, इसमें तीनों होगा, सारी चीज़ें ABC तीनों, इसका आंसर होगा डी। गुड, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइएगा, सारी चीज़ें आपका डेवलप क्या आंसर आप बहुत आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है 84 में कि राष्ट्रीय नदी सुरक्षा कार्यक्रम में केंद्र और राज्य का वित्त पोषण क्या है? इसमें तो पढ़े, अगर आप पढ़े होंगे तभी पता चल सकता है। तो इसमें क्या है कि कितना का रेशियो है? तो इसमें 70-30 का रेशियो है। गुड, नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि स्मार्ट सिटी गंगा योजना का आरंभ कब हुआ? फिर इसमें लोचा यही होता है कि इसमें तो सभी सेम होते हैं लेकिन इसमें डेट याद रखने की जरूरत है, तो ये 13 अगस्त याद रखिएगा। गुड, नेक्स्ट है स्मार्ट गंगा सिटी के तहत पूरे देश में कितने शहरों का चयन किया गया है? तो टोटल नंबर ऑफ सिटीज़ कितने हैं जिसमें स्मार्ट गंगा के तहत सेलेक्ट किया गया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और इसके तहत जो है 10 शहरों को सेलेक्ट किया गया। स्मार्ट गंगा सिटी योजना के तहत झारखंड के किस शहर का चयन किया गया? देखिए झारखंड का बात करा है तो मैंने अभी आपको क्या बताया था कि जो गंगा नदी ये कहाँ से टच करती है, तो साहिबगंज से, तो इसको तो आप रट ही लीजिए, क्वेश्चन तो आ भी सकते हैं, इसका आंसर डी है। निम्न में से किस शहर का चयन स्मार्ट गंगा सिटी योजना के तहत नहीं हुआ है? यहाँ पे देखिए इस सब चीज़ों को ध्यान दीजिएगा, नहीं हुआ है, ये सब चीज़ों में कभी कभी होता है कि मिस्टेक हो जाता है और आंसर गलत लग जाते हैं। तो इसमें है उज्जैन, बैरकपुर, लखनऊ, मथुरा, तो ये उसका आंसर होगा जय, उज्जैन, उज्जैन को नहीं सेलेक्ट किया गया। ठीक है, नेक्स्ट है 89 क्वेश्चन बोल रहा है कि राज्य में जननी सुरक्षा योजना कब प्रारंभ किया? बहुत इंपॉर्टेंट योजनाएँ रहे हैं ये, जननी सुरक्षा योजना 89 का जो है यहाँ पे देखिए 2005 ये 5 के आसपास के 5 में ही हुआ है, और इसका आंसर जो है हमारा 12 अप्रैल को किया गया है, ये 12 अप्रैल 2005 को। जननी सुरक्षा योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों की गर्भवती महिलाओं के संस्थागत प्रवाह प्रसव पर कितनी राशि का प्रदान अभी भी दिया जाता है? आप देखते होंगे राशि बढ़ा दिया गया है, फिर तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें कितना रुपया दिया जाता है, तो इसमें दिया जाता था 1400 रुपया, यहाँ पर अभी तो शायद 6000 के आसपास हैं ऑलमोस्ट, तो ये इसका आंसर था 1400। गुड, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि स्वामी विवेकानंद निःशक्त स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना के तहत प्रति माह कितनी राशि दी जाती है? इसमें क्या है कि लोगों को एप्रिसिएशन के लिए स्वामी विवेकानंद निःशुल्क है ना निःशक्त स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना के तहत कितनी राशि दी जाती है? तो इसमें से जो राशि दी जाती है वो राशि कोई खास बड़ी नहीं है लेकिन बड़ी है थोड़ी, इसमें है आपका जो आंसर होगा वो डी नंबर होगा, 1000 दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन 92 में निम्न में से किस पेंशन योजना का शुरुआत असंगठित क्षेत्र यानी अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स के लिए हेतु की गई थी? अब ध्यान दीजिएगा, सो अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स के लिए कौन सा स्वावलंबन किया गया है, ध्यान दीजिएगा स्वावलंबन है इसमें। नेक्स्ट है कि स्वावलंबन पेंशन योजना कब शुरुआत की गई? तो यहाँ पूछ रहा है कि 93 में कि कब ये शुरुआत की गई थी, तो ये 2010 में की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना कब शुरू हुआ था? ये आप सब चीज़ें की चर्चा भी सुने होंगे, आप अगर ये सब चीज़ों को जान रहे होंगे थोड़ा सा अवेयर होंगे, तो ये 2004 में हुआ है। ठीक है, झारखंड कन्यादान योजना के तहत लाभार्थी को कितनी राशि देने का प्रावधान है? जो कन्यादान है मुख्यमंत्री के तहत उसमें से कितने रुपये तक इसे देने के प्रावधान है? तो इसमें 30,000 का है, 30,000 का। आप अक्सर देखते होंगे आंगनबाड़ी वगैरह में या फिर सरकार के द्वारा जब भी कोई कार्यक्रम चलाया जाता है तो ग्राम लेवल पर आंगनबाड़ी या फिर पैरा टीचर्स या फिर शिक्षकों के द्वारा जो सर्वे करके हेलो मांगा जाता है, तो ये सब चीज़ें आप सुनते भी रहते होंगे कभी कभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 96 में क्या है कि मध्यान्ह भोजन मिड डे मील योजना कब चालू हुआ? तो आपको मिड डे मील के बारे में आप तो भली भांति जानते होंगे, तो मिड डे मील जो है वो चालू हुआ है 1995 में। गुड, याद रखिएगा, वैसे हाल फिलहाल आप लोग जान रहे होंगे, नहीं पहले से है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्या है 97 में पूरे देश भर के स्कूल में मिड डे मील योजना किसके द्वारा प्रायोजित है? अब यह पूछ रहा है किसके द्वारा ये चीज़ इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, किसके द्वारा ये चीज़ आपका एक प्रकार से प्रायोजित कहने का मतलब प्रोजेक्ट किया जा रहा है। ठीक है,
तो प्रोजेक्ट किसके द्वारा किया जा रहा है, तो प्रोजेक्ट यहाँ पे देखिएगा यूनिसेफ दिया हुआ, वर्ल्ड बैंक दिया हुआ, केंद्र सरकार दिया हुआ और IMF दिया हुआ। तो यहाँ ध्यान देने की बात है कि केंद्र सरकार के द्वारा किया जा रहा है। गुड। मध्याह्न भोजन योजना अपर प्राइमरी स्तर पर कब लागू हुआ? तो 98 क्वेश्चंस क्या पूछ रहा है कि अपर प्राइमरी तक ये जो है मध्याह्न भोजन कब लागू हुआ है, तो इसका जो लागू होने का जो समय रहा है वो है 2007 अपर, ठीक है, अपर प्राइमरी। मिड डे मील योजना के तहत प्राइमरी स्कूल के बच्चों के लिए कितनी कैलोरी निर्धारित की गई? वेरी 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 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ये है 450 कैलोरी निर्धारित किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, ये सब क्वेश्चंस आ जाएंगे तो आपको छोड़ना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या कह रहा है कि मिड डे मील को कब से पूरे देश में कक्षा 1 से लेकर के 8 तक के सभी बच्चों के लिए लागू किया गया? पहले तो नहीं था 8th क्लास तक के लिए, लेकिन कब से जो है ये पूरे लागू कर दिया गया? तो 2008 से लागू कर दिया गया। नेक्स्ट क्या है कि साक्षर भारत योजना कब प्रारंभ की गई? जो लिटरेट जो है ना लिटरेट, तो भारत साक्षर योजना के तहत भारत ये कब आरंभ किया गया ये योजना? 101 क्वेश्चंस का ये हमारा है कि 2009 में, यानी 8 में तो मिड डे मील सारे बच्चों को हुआ 1-2 लेकर के 8 तक, और साक्षर भारत योजना 2009 में लागू किया गया है ना। नेक्स्ट क्वेश्चंस अगर हम देखें 102 का क्या है कि साक्षर भारत योजना का लक्ष्य वर्ष से अधिक आयु के लोगों का साक्षर करना है। कितने वर्ष से अधिक को साक्षर करने का इसमें लक्ष्य लिया गया था? तो ये 15 साल का है, ध्यान दीजिए 15 साल। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि स्वच्छ भारत कोष कब शुरू किया गया है? तो ये शुरू किया गया है, देखिए यहाँ पे 14, 14, 14, 14, लेकिन ध्यान देने की बात है ये नवंबर का मंथ है, 25 तारीख का है। गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि स्वच्छ भारत कोष के धन का उपयोग कहाँ होता है? अब यहाँ पे देखिए विद्यालयों के शौचालय निर्माण में, लोगों के शौचालय के निर्माण में, ए भी दोनों इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आप ध्यान दीजिएगा, यह जो है स्वच्छ भारत कोष का जो पैसा जो है फंड जो है ये होता है विद्यालयों के शौचालय के निर्माण के लिए। और इसे लागू कब किया गया था? तो लागू किया गया था 2014 में 25 नवंबर को। गुड, ये चीज़ को भूलना नहीं है। यहाँ पे देखते हैं आगे क्वेश्चंस का 105 क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि बाल स्वच्छता सप्ताह प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? बाल स्वच्छता कब मनाया जाता है? तो यह जो मनाया जाता है प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 14 से लेकर के 19 नवंबर तक मनाया जाता है। ये चीज़ ध्यान रखना है, भूलना नहीं है। आगे क्या कह रहा है कि प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना कब प्रारंभ किया गया? प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना कब प्रारंभ किया गया है? तो यह प्रारंभ किया गया है 2008 में। इस तरह के प्रोग्राम्स बहुत आते रहते हैं लोगों के लिए, रोजगार के लिए, है ना, कौशल विकास योजना बहुत सारे। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत 18 से कितने वर्ष यानी है ना तक के रोजगार युवक युवतियों को स्वरोजगार हेतु ऋण दिया जाता था? तो इसमें 2000 कि कब लागू हुआ था, ये तो लागू हुआ था हम लोगों ने यहाँ पे पहले क्वेश्चन में देखा 2008 में, तो 8 में लागू हुआ था। लेकिन इसमें एज क्या था, कितने से कितने, 18 से कितने साल तक के लोगों के लिए मिलता था? तो ऑलमोस्ट ये 45 साल के लिए था पूरा। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत सेवा क्षेत्र में यानी सर्विस सेक्टर में निवेश हेतु कितनी राशि तक का ऋण देने का प्रावधान था? तो यहाँ पे कितने आप सर्विस सेक्टर में अगर आप कुछ निवेश करना चाहते हैं तो कितने तक को आपको लोन मिल सकता था? तो वो 10 लाख तक का था, ये 10 लाख तक का था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि नाइन नंबर यहाँ पे प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत आरक्षित जाति के आवेदक को लोन पर कितने परसेंट की सब्सिडी यानी छूट कितने परसेंट की मिलती थी? तो ये बात का ध्यान देना है, इसमें 25% डायरेक्ट इसका फ्लैट सब्सिडीज था इसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत ऋणदाता को यानी जो ऋणदाता को कम से कम किस कक्षा तक उत्तीर्ण होना आवश्यक है? जो इस इसका लाभ लेना चाहते हैं उसको कहाँ तक उसको कम से कम पास होना चाहिए? तो 8th क्लास तक का आपको पास आउट होना ही चाहिए था। तो आज हम लोगों ने देखा क्वेश्चंस 110 तक, इस क्वेश्चंस को यहाँ तक हम लोगों ने देखा। सारी चीज़ों को अगर आप समझ में नहीं आएगा तो फिर से एक बार वीडियो को देख लीजिए, सारी चीज़ें समझ में आ जाएगा, आपको रटने की कोई जरूरत नहीं, केवल वीडियो को आप देखिए। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।